क्यों रखी हुई है आप देखिए। आज यार सब सब काम वही देखते हैं सब। आज यार इसका प्रभारी आप किसी और को बनाइए, जो काम उसको देखना चाहिए वो तो देख नहीं पा रहा। प्रशासनिक का मतलब क्या होता है? जितनी संख्या में आशा है उतनी संख्या में गिन करके सभी पीसी सीसी के मॉइस दे देते, वो पटवा देते सर। हो जाएगा एक से हो जाएगा, हो जाएगा एक से बैठे पड़े हो जाएगा। भाड़ा पड़ा है सारा कम है, गट्टर पे गट्टर रखे हुए, किसी को होश नहीं है कि धूल भी फकवा देते। हमने मजाक बना रखा है, ये देखिए तमाम कुछ लगता है और हैंड ग्लव्स थर्मल स्कैनर ठीक है, ये सबका पूरा डिटेल लिखे ठीक है। चिकित्सा विभाग का ऑफिस क्या है ये देख रहे हैं? मुझे लगता है ये ठीक करा के बनवाया जा सकता था नीचे आई गया बिल्डिंग वल्डिंग करके, क्यों नहीं हो पा रहा आपका? देखिए ये भी ठीक लग रहा है मुझे काफ़ी कुछ, ये देखिए। हेलो ये हेलो सर, डीएम सर आए हैं सर, ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट ब्लॉक लेवल पे 20,000 नहीं बढ़ा पाए, 3,500 आशाओं के माध्यम से अगर एक एक को 6,000 दिए थे तो भी पहुंच जाता सर। बीच में बारिश का मौसम, बारिश का मौसम आ गया लेकिन पड़े हैं, बारिश का मौसम आ गया सर, गीला ना हो के क्यों नहीं बढ़वाया आपने? उस सब बढ़ जाएगा, जितनी संख्या में आशा है उतनी संख्या में गिन करके सभी पीएससी सीएससी के मॉइस दे देते, वो बटवा देते सर। हो जाएगा एक से हो जाएगा, हो जाएगा एक से बैठे पड़े हैं हो जाएगा। कवच पोर्टल पे नाम वाइज वो फिट करते ताकि जब सर्विसेज ये शुरू करें तो उस पर अपडेट करते रहे नाम वाइज, क्योंकि अब संख्यात्मक संख्या सरकार को नहीं चाहिए सर, तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग सर। आज सर दो बैच सर, दो बैच सर, एक यहाँ 100 बेड में सर, 38 लोगों को इधर बुलाया गया और सर 35 लोग करीब। आप लोग भाई देखिए, आप लोग आयुष्मान कार्ड बनाने में भी मदद करिए, आपका जो भी एरिया है वहाँ ये भी देखिए कि आप जन सामान्य प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, पोस्टर्स बैनर्स विभिन्न योजनाओं के वो यहाँ रखे हुए डंप पड़े हुए हैं। रिकॉर्ड रूम की स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है, गंदगी और टूटे फूटी कुर्सियाँ, यूपीएस हीटर्स पाइप्स ये सब रखा है आपके रिकॉर्ड रूम में, जहाँ अभिलेख होने चाहिए। आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज जो रजिस्टर्स वगैरह सब बाहर रखे हुए हैं, इसका मतलब है कुछ देख नहीं रहा, ऐसे गट्ठर के गट्ठर जाम बनवाया फेंक दिया, छत पर कबाड़ फेंक दिया, बहुत बुरी स्थिति। मुझे लगता है कि 25,000-30,000 40,000 रुपये मिल जाएंगे आराम से, 50,000। उस 50,000 रुपये को आप कहीं ना कहीं रंगाई पुताई रेनोवेशन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कहाँ है दिया जाता है और जो नए रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें वहाँ रिस्टोर कर दिया जाता है, तो पुराने रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया जा रहा और नए रिकॉर्ड्स को रिस्टोर क्यों नहीं किया जा रहा? तो हैं तो सर बहुत पुराने ही उसमें रिकॉर्ड। किसी ने चेक किया? किसी ने देखा? इसका प्रभारी कौन है? इसका कोई क्लर्क वगैरह होगा? कौन है रिकॉर्ड रूम का प्रभारी? कोई क्लर्क होगा, कोई अधिकारी आपके यहाँ, कोई प्रभारी इसका नामित होगा जो देख रहा होगा? कौन देखता है उसको? चाबी है किसके पास? कौन रखता चाबी? खराब स्थिति आपके आप कार्यालय इसमें वहाँ का ऑफिस का सामान आया? कभी किसी ने रिकॉर्ड रूम खोल के चेक किया है? क्या क्या है इसमें? खुलता तो है सर, ये लास्ट टाइम किसने देखा इसको? इसमें क्या क्या रखा है सब रिकॉर्ड? अगर ये रिकॉर्ड रूम है तो बाकी रिकॉर्ड बाहर क्यों फेंके गए हैं? ये रजिस्टर बाहर क्यों फेंका गया? इसमें क्यों नहीं रखा जा रहा है? भरा तो है, दिखाई जरा मुझे दिखाई। नहीं रजिस्टर कब से रखे हैं? क्यों रखा है सर? वो होता है जो सी एस सी पी एस सी पे जाके वो उसमें कौन सा क्या काम हुआ, यहाँ क्यों रखा है सर? इतने रजिस्टर यहाँ क्यों रखे हैं? ये सारे वही है सर। और ये हमें लगता है साल दो साल से रखे हैं, ये भी नहीं कि नया रखा होगा, क्योंकि धूल मिट्टी उस पर जमी हुई, गंदगी जमी हुई है। अगर आप यहाँ रैक्स लगवा दीजिए, कितनी जगह है इसमें? आप लोग कह रहे भरा है, भरा है, भरा है, किधर भरा है ये?
ऐसे 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 रखा जाता अभी तक तो भाई क्यों नहीं व्यवस्थित। आप देखिए किस तरह से फेंका गया है। देखिए अभिलेखागार में तो वो चीजें रखी जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और जो आपकी गाइडलाइंस आपका अधिनियम कहता हो। विभागीय दिशा निर्देश होंगे कि आप रिकॉर्ड रूम में क्या क्या रखेंगे और कब तक रखेंगे। लेकिन यहाँ कोई नियम नहीं है। सब आप लोगों ने अस्त व्यस्त का रखा, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कबाड़ रखा हुआ है आप लोगों ने। आपके महत्वपूर्ण रजिस्टर, महत्वपूर्ण अभिलेख, अलमारियां सब बाहर पड़ी हुई हैं। जो जहां जिसको मन में आया उठा के लाके डंप कर दिया है। बहुत बुरी स्थिति है। कबाड़ रखा हुआ है, इसको क्यों रखा हुआ है? ये तो कंडम हो गया भाई। कंडम हो गया, नीलाम क्यों नहीं हो रहा है? नीलाम कब किया जाएगा? दो साल आप रखोगे, दो साल नौ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको पानी टंकी देखिए इतनी गंदी है, लगी हुई है। अभी इसका प्रभाव कहाँ पड़ा होगा? नीचे जा रहा होगा ना पानी मॉशर के रूप में। क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? एक बार ना कितने से महीने से? चार महीने तो ही है ना। आपको हर हफ्ते आना चाहिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, काम भी होता है। माध्यम से बच्चों को करें और ये कवच पोर्टल पे नाम वाइज वो फिट कर दें ताकि जब सर्विसेज ये शुरू करें तो उस पर अपडेट करते रहे नाम वाइज, क्योंकि अब संख्यात्मक संख्या सरकार को नहीं चाहिए सर। तो इसीलिए इनको ट्रेनिंग सर। कितने लोग बुलाए गए आज सर? दो बैच सर, दो बैच सर एक यहाँ एक हंड्रेड बैच सर। आठ लोगों को इधर बुलाया गया और फिर देखिए चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए किसी भी जनपद के लिए। उसी क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनपद की भी चिकित्सीय व्यवस्थाएँ और बेहतर से बेहतर हो सके। इसी क्रम में आज मैंने यहाँ सीएमओ ऑफिस को इंस्पेक्ट किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बहुत सारी जो हमारे अभिलेख हैं उसको अव्यवस्थित रखा गया है। इसके अलावा जो जन सामान्य में प्रचार की सामग्री है वो भी यहाँ बंडल बांध के रखी गई है। ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है। उनकी जिम्मेदारी हम अलग से तय करेंगे, बट सीएमओ को हमने कहा है कि कार्यालय को साफ़ सुथरा रखें और एक ऐसा माहौल बने जिसमें सभी लोग अपने कार्यों का निर्वहन टाइम से बैठ के कर सकें। शौचालयों से बदबू आ रही है, पानी की टंकियाँ गंदी हैं, टूटी फूटी कुर्सियों का, अभिलेखों का इधर उधर अस्त व्यस्त होना ये बता रहा है कि यहाँ मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। उसी के लिए मैंने दिशा निर्देश दिए हैं।